गाइस कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कैप को कैसे पहने परफेक्ट वे में, क्योंकि बहुत सारे लोग महंगी महंगी कैप खरीद तो लेती हैं मगर सही तरीके से ना पहने होने की वजह से उनकी लुक इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। और मैं बात करने वाला हूं भी कौन से कलर की कैप आपके पास होनी ही चाहिए जिसके कारण आपकी लुक कूल लगे। और गाइस अगर आप ये जानना चाहते हो भी आपके फेस के अकॉर्डिंग आपके फेस पर कौन सी कैप अच्छी लगेगी तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ये वीडियो बहुत अच्छी बना रखी है मैंने। अगर आप ये जानना चाहते हो भी कौन सी कैप आजकल चल रही है, न्यू डिजाइन कौन से चल रहे हैं, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अगर आप ये जानना चाहते हो भी ऑनलाइन कम रेट में आप कहां से कैप खरीद सकते हो तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। और गाइस ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं सिंपल से वे में बताने वाला हूँ कैप कैसे पहने। और गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर आप कैप खरीद रहे हो तो कैप के कलर पर क्या ध्यान देना आपने, इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बस आपने इस बात का ध्यान देना है। अगर आप स्पोर्ट्स कैप खरीद रहे हो मतलब ड्राई फिट फैब्रिक वाली कैप खरीद रहे हो तो आपने सिंपल सी बात है वो जिम में पहनोगे, गेम टाइम पहनोगे या फिर टी शर्ट या शॉर्ट्स के साथ ही वेयर करोगे उसे, तो उसमें आपने रेड व्हाइट ऑरेंज ब्लू ब्लैक ऐसे कलर आप खरीद सकते हो, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। और अगर आप कैजुअल वेयर कैप खरीद रहे हो मतलब वो डाइनिम में है या कॉटन फैब्रिक में है तो गाइस इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ये कैप आप शर्ट और टी शर्ट दोनों के साथ पहनते हो, इसमें आपकी लुक डिसेंट लगनी चाहिए। तो आपने क्या देखना है भी आपके जो कैप आप खरीद रहे हो वो ब्लैक कलर में हो, वाइन कलर में हो, डार्क ब्लू कलर में हो या डार्क ग्रीन कलर में हो, ऐसे कलर में आप ये वाली कैप खरीदे जो कॉटन और डाइनिम फैब्रिक में, क्योंकि आप इसे शर्ट के साथ वेयर करते हो तो इसमें आपने थोड़ा सोचना है। इसमें आप स्पोर्ट्स कलर बिल्कुल भी ना खरीदे क्योंकि ये शर्ट के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और दोस्तों नंबर 3 पर है स्नैपबैक कैप जिसे आप हिप हॉप वाली कैप भी बोलते हो। अगर आप ये वाली कैप खरीद रहे हो तो पक्का आपकी लुक फंकी है, आपके हेयर स्टाइल भी फंकी है, तो इसी की वजह से आपको ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है भी आपको कौन सा कलर पहनना चाहिए जिसकी वजह से आपकी लुक कूल लगे। आप नियॉन कलर खरीद सकते हो, आप येलो कलर खरीद सकते हो, आप रेड व्हाइट ब्लैक कोई भी कलर आप इसके साथ खरीद सकते हो, आप पर वो अच्छा लगेगा ही लगेगा। और दोस्तों अब बात करूंगा कैप को कैसे वेयर करें परफेक्ट वे में। स्नैपबैक कैप मतलब हिप हॉप वाली कैप आजकल सभी के पास होती है मगर सही तरीका किसी को भी नहीं मालूम, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी फैशन मिस्टेक कर देते हैं। क्या मस्ती करते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूं। इसको ऐसे नॉर्मल पहन लेते हैं सीधा करके। यहां पर बहुत बड़ी फैशन मिस्टेक आप कर देते हो दोस्तों। इसको सिंपल से सिंपल तरीके से पहनने का तरीका मैं आपसे बताता हूं। नॉर्मल आपने कैप को ऐसे टाइट भी नहीं करना, नॉर्मल रखना है इसको और ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेना है। सिर के ऊपर रखने के बाद इसका जो फ्रंट वाला उसको ऊपर रखना है और जो बैक है ना बैक को ऐसे नीचे की तरफ खींच देना है, नॉर्मल इसे ऐसे रखना है। ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है मगर फिर भी यहां पर बहुत सारे लोग फैशन मिस्टेक कर देते हैं, कैप को ऐसे पहन लेते हैं जो बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों सिंपल वे में ऐसे रखना है और बैक को ऐसे नीचे की तरफ करके अपने स्नैप बैक को वेयर करना है। और गाइस यही फैशन मिस्टेक हम बेसबॉल कैप के साथ भी करते हैं, इसको भी हम सीधा ही ऐसे पहन लेते हैं और यहां पर बहुत बड़ी फैशन मिस्टेक कर देते हैं। ये बहुत बड़ी फैशन मिस्टेक है दोस्तों, आपने सीधा नहीं पहनना अपनी कैप को, नॉर्मल टाइट रखना और ज्यादा टाइट भी नहीं रखना कि आपके जो बैक वाला कैप का हिस्सा वो ऐसे हो जाए। प्लीज आप इसमें नॉर्मल ही फिटिंग में रखें। और गाइस अगर आपने इसे पहनना है तो सर के ऊपर ऊपर रखना है, नॉर्मल पूरा नहीं पहनना। और हाँ गाइस बैक से थोड़ा सा आपने इसे नीचे की तरफ ऐसे खींच देना है, ऐसे नॉर्मल पहनने के बाद अपने आपके सर के बाल हैं जो आगे वाले हैं वो दिखने चाहिए, तभी आपके सर पर जो कैप है वो कूल दिखेगी, वरना आप पर ऐसा लगेगा कि आप गंजे हो, आपके सर पर बाल नहीं है, आपने वो अपने गंजेपन को छुपाने के लिए ऐसे कैप पहन रखी है भी किसी को पता ना चले आप गंजे हो। तो दोस्तों अगर आप कूल दिखना चाहते हो ना अपनी कैप को ऐसे रखें। और गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया कैप कैसे पहने और कैप खरीदते टाइम कलर पर क्या ध्यान देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों आपने इस वीडियो को करना लाइक सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। और मिलता हूं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।